अपने क्लच प्लेट्स, अपनी प्रेशर प्लेट्स, आपके जो बाइक में और मजीद प्लग्स हैं इनको प्रॉपर मेंटेन करें। आप गाड़ी को ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आप थ्रॉटल को प्रेस करें, ना कि आप उसको फ्लोर करें कि जी आप बोले मैं थोड़ी सी स्पीड मार के आगे निकल जाऊंगा। वो दो तीन चीज़ों में आपका नुकसान करता है। दिस इज़ फॉर श्योर कि गाड़ी जो है उसका पेट्रोल नहीं पिएगी और आपकी गाड़ी एफिशिएंट रहेगी। एटलीस्ट महीने का 1000 रुपये का फ्यूल जो है वो बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानिश खान है और मैं कार एंथुजियास्ट हूँ, गाड़ियों का शौक़ रखता हूँ। आज जो मैं टिप्स आपको दूंगा उसमें आप एटलीस्ट महीने का 1000 रुपये का फ्यूल जो है वो बचा सकते हैं, इट्स फॉर श्योर। आप सबसे पहले जो है अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है ना वो जो कंपनी रिकमेंड किया है वो डालें, टाइमली उसको चेंज करें। प्लस आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर जो है वो आप ब्रांड न्यू डालें, अगर ख़राब हो गया है उसको एयर लगवाएं, प्रॉपर वो डालें। दूसरा, प्लग्स आपके स्पार्क प्लग्स जो हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में कि आपकी गाड़ी के प्लग्स ठीक होंगे तो करंट प्रॉपर आएगा, आपकी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट होगी। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम जब भी गाड़ी चला रहे हैं उसको ज़्यादा थ्रॉटल को जो है हम फ्लोर ना करें, उसको आप सिर्फ एक अपने टच पे रखें, सो दैट गाड़ी के जब आरपीएम नीचे रहेंगे स्पीड हायर रहेगी, बड़े गियर पर आपकी गाड़ी कम स्पीड पर होगी तो आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल नहीं पिएगी। वो दिस इज़ फॉर श्योर कि गाड़ी जो है उसका पेट्रोल नहीं पिएगी और आपकी गाड़ी एफिशिएंट रहेगी। नंबर टू, आप जब कोई रोड ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप सिग्नल पे खड़े होते हैं, आप अपनी गाड़ी को फौरन न्यूट्रल कर दें, एसी को ट्रिप कर दें। एसी क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है गाड़ी का, आप सिग्नल पे खड़े हो आप एसी को ट्रिप कर दें, गाड़ी को न्यूट्रल करें। जैसे सिग्नल आपका ग्रीन हो आप गाड़ी को ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आप थ्रॉटल को प्रेस करें, ना कि आप उसको फ्लोर करें कि जी आप बोले मैं थोड़ी सी स्पीड मार के आगे निकल जाऊंगा। वो दो तीन चीज़ों में आपका नुकसान करता है। वो एक तो आप एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, प्लस आपकी गाड़ी डबल फ्यूल लेती है, तो आप उसको बेहतर करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप गाड़ी को एक्सेलरेट करें, गाड़ी आगे जाएगी। और बाइक पे भी सेम गोज़ फॉर मोटर बाइक, मोटर बाइक को भी आप जब सिग्नल से निकलते हैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा मोटर बाइक वाले राइट लेफ्ट देख के निकला करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली बाइक को जो है लेके आराम से जाएँ, अपने गियर चेंज करें, हायर स्पीड पर बड़े गियर पर लेके जाएँ। ये नहीं कि उन्होंने जी पूरा थ्रॉटल देना है और सब करना है, तो वो दोनों तरफ से डेंजरस है और फ्यूल जो है आपका उसमें तबाह है, फिर उसके बाद तबाही की तरफ है आप। आप अपना फ्यूल फिल्टर जो है ना आप बाइक का प्रॉपर चेंज करो, आप अपने फ्यूल टैंक को चेक करो, उसमें रस्ट होता है, पेट्रोल गंदा जाता है, लाइनों में चला जाता है, फंस जाता है गाड़ी, फिर आपको जोर मारना पड़ता है इंजन पर, इंजन ख़राब होता है, बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं आपके साथ। आप अपना फ्यूल टैंक साफ़ रखो, गाड़ी हो या बाइक हो, आप अपना फ्यूल फिल्टर टाइमली चेंज कराओ। जब आप ऑयल चेंज कराने जाते हो, ये मेरी सबसे ज़रूरी टिप है सबके लिए, बाइक का ऑयल चेंज कराओ, गाड़ी का कराओ या जहाज़ का कराओ, आप सबसे पहले जाके उनको फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और ऑयल और स्पार्क प्लग्स, ये सब पांचों चीज़ें आपने मैंडेटरी चेक करवानी है। एक चीज़ और ये है कि जब आप अपना प्लान, रूट प्लान करते हैं आप, तो आपको पता होता है यार मैंने फ्लाईओवर पे चढ़ना है और वो है, तो आप पहले से जो है ना अपनी स्पीड को इतना कॉन्स्टेंट कर दें कि आपको वहाँ जाके गियर डाउन ना करना पड़े। सबसे ज़्यादा फ्यूल गाड़ी तब पीते जब आप एक बड़े गियर से छोटे गियर पर गाड़ी को लाते हैं, तो वो डबल फ्यूल लेती है, जो मेन रीज़न है हमारा कि गाड़ी या बाइक हमारी जो है ना वो बहुत फ्यूल पीती है। अब मैं ज़रा बाइक्स के टॉपिक पे आना चाहूँगा, जो बाइकर्स हैं हमारे, मेरे भाई जो हैं सारे बाइकर्स, मैं उनको ये टिप बहुत ज़रूरी है जो वो अगर समझ लें तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी बाइकों के क्लच प्लेट्स जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं, जिस वजह से वो एक्सेलरेट ज़्यादा कर रहे होते हैं और बाइक जो है वो आगे बढ़ नहीं रही होती। अपने क्लच प्लेट्स, अपनी प्रेशर प्लेट्स, आपके जो बाइक में और मजीद प्लग्स हैं इनको प्रॉपर मेंटेन करें, आप खुद देखेंगे आपको कितनी बचत होती है फ्यूल में। एक और टिप मैं आपको ये दूंगा कि गाड़ी के जो टायर प्रेशर है उसको चेक करें, कंपनी जो रेकमेंड कर रही है वो टायर प्रेशर रखें। अगर आपके टायर में हवा ज़्यादा होगी तो भी आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल पिएगी, अगर हवा कम होगी तो भी वो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा पिएगी। आप अपने बाइक का, अपनी गाड़ी का फ्यूल टायर प्रेशर जो है प्रॉपर चेक करें, उसको प्रॉपर आप देखें कंपनी ने क्या रेकमेंड किया, वही टायर प्रेशर अपनी गाड़ी का या बाइक का रखें। फ्यूल डलवाते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें ख्याल करना चाहिए, अपनी जान पहचान वाले पंप से डलवाएँ। हर किसी के एरिया में पंप होता है, हर बंदा उसको जानता है, ऐसे पंप से डलाएं जहाँ आपको पता है कि चोरी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, चोरी होती है फ्यूल में, कोई बोले नहीं होती। प्लस नंबर टू टिप मेरी ये है इसके लिए कि आप जो है फ्यूल लीटर्स में डलवाएं, पैसों में ना डालें, आप लीटर्स में उसको बताएं कितने का फ्यूल डालो। प्लस जो नोज़ल होती है उसको फुल प्रेशर पर कभी भी ना रखें, उसको हमेशा लाइट उस पर उसको बोलें जी इसको लाइट सिंगल टिक पर रखें ताकि आपका फ्यूल चला जाए। फुल प्रेशर के साथ जाने में चोरी के असरात बढ़ जाते हैं। जो टिप्स मैंने दिए हैं इनको समझें और इस पर R&D करें, उसके बाद जो है महीने का 1000 रुपये का पेट्रोल बचाएं और दुआएं दें हमें।